जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो आपको सर्च करना है अपने मॉडल के साथ फॉर्मवेयर और उसके डाउनलोड सेंटर, जैसे निकॉन हो गया, कैनन हो गया, जो भी आपके पास DSLR कैमरा है उसके आपके डाउनलोड सेंटर पे जाना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेगा निकॉन की, अगर हम निकॉन की बात करें तो वहाँ पे आपको मैनुअली सर्च करके आप प्रोडक्ट डाल के सर्च कर सकते हैं। दूसरा है कि आप पे वहाँ पर SLR को सेलेक्ट करना है, जो भी मॉडल्स नंबर है, प्रेफर 3000 है गया और D3500 हो गया, तो आपको वहाँ से मैनुअली सर्च कर सकते हो। तो अभी मैंने अपना प्रोडक्ट अपडेट किया है फॉर्मवेयर, वो मैंने D5 3000 300 का किया है। ये आप देखोगे इसमें दो चीज़ है, मेरा तो 2016 में ही है, 1.4 चल रहा था, तो अभी मैंने जो अपडेट किया रिसेंटली, तो इसमें अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ और मैक ओएस है तो मैक्स, आपको दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले चेक करोगे कौन सा वर्जन, कौन सा आपके पास कैमरा है वो सपोर्टेड है। अगर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अपडेट करने से पहले, लाइसेंस एग्रीमेंट को आपने एक्सेप्ट करना है और उसके बाद डाउनलोड करना है, बहुत छोटी सी फाइल है, हाँ इजली डाउनलोड हो जाती है, और उसको रन करके एक्सट्रैक्ट करना है। आपके केस में ये विंडोज़ भी हो सकता है तो एक सी फाइल में डाउनलोड होगा, और मेरे केस में ये DMZ में हो गया है क्योंकि ये मैक मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया और स्किप करके देखोगे इसमें सिंपल सी छोटी सी एक फ़ाइल आएगी जो कि बिन फाइल्स होती है इनकी, और उसको ध्यान में रखना है कि जब हम इसको ड्रैग करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसकी रूट डायरेक्टरी में करेंगे। रूट डायरेक्टरी कहने का सेंस कि जो भी आपके पास USB है, SD कार्ड है, उसके किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखना है, सिंपल सा ड्रैग करना है उसके डायरेक्टरी में, ताकि कैमरा की जो डायरेक्टरी है वो ईजिली इसको एक्सेस कर सके।